थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AMTV प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है मेरे पास iPhone 5S, और ये 5S आई थिंक अराउंड 5 to 6 ईयर पुराना मोबाइल है। और इसके अंदर मैं खेलने वाला हूँ आज पबजी। आपको इसका पूरा पबजी का जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये आपको मैं पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, तो ये जो मेरे पास अवेलेबल है 16 GB वेरिएंट के साथ है। तो इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है 16 GB है, और अगर आप रैम की बात करें तो इसके अंदर 1 GB रैम इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 GB इसके अंदर कैपेसिटी है, और जो अवेलेबल है 6 GB अवेलेबल है। बाकी मैंने अपने ऐप वगैरह इसमें यूज़ कर रखा है। तो यह एक छोटू सा फ़ोन जिसके अंदर मैं खेल के दिखाने वाला हूँ आज आपको पबजी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं इसमें ऑन पबजी, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो मैंने जस्ट इसे क्लिक करा है, तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी स्क्रीन है इसके अंदर। और अगर मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इसका कंपेरिजन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। और इसके साथ अगर मैं इसका कंपेरिजन अगर करूँ अपने आईपैड के साथ, तो आप देख सकते हैं ये आईपैड के आगे ऐसी जो 4-5 स्क्रीन आ जाएंगी। तो इन दोनों का रख लेते हैं साइड, क्योंकि आज है iPhone 5S का डे, तो हम इसमें ही पबजी मोबाइल के लिए खेलेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया कि मैंने पबजी जो खेलना स्टार्ट किया अपने आईपैड पे खेलना स्टार्ट किया था, तो उसकी स्क्रीन और इसकी स्क्रीन में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो मेरे हाथ में मैं पकड़ रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसे छोटा सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो पबजी का एक्सपीरियंस रहेगा वो कैसा रहेगा देख सकें। तो अगर आप सेटिंग की बात कर लें, तो मैं आपको पहले अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ। जो ग्राफिक सेटिंग है इसके अंदर आप देख सकते हैं स्मूथ पे आप जा सकते हैं, या आप बैलेंस पे जा सकते हैं। आप इसमें HD वाला ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है। इसके अंदर लो और मीडियम दो ही, आप अगर फ्रेम रेट की बात करें सिर्फ दो ही हैं, तो मैं मीडियम में इसमें चला जाता हूँ। तो ये इसकी मैक्सिमम सेटिंग कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ग्राफिक वाली सेटिंग है वो यही है। तो जैसे आप खेल रहे हैं, हल्का सा इसमें अभी मेरे को थोड़ा सा लैग लगा था, पर अभी इस समय बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इस समय मेरे को थोड़ा सा लैग लग रहा है, पर परफॉर्म जो कर रहा है ये अच्छा ही कर रहा है। अगर आप बात करें एंड्रॉयड फ़ोन के साथ अगर इसका कंपेरिजन करें, तो एंड्रॉयड अगर कोई भी फ़ोन, पहली बात तो 6-7 साल तक चलता नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये जो मेरा फ़ोन है ये ऑलरेडी 6 ईयर के अराउंड इसे हो चुके हैं, और इसके अंदर जो पबजी गेम चलना वो भी बड़ी बात है, क्योंकि 1 GB रैम के साथ है। और इस समय अगर हीट की बात करूँ, तो हल्का सा ये हीट होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पर जो परफॉर्म कर रहा है ये काफ़ी अच्छा ही कर रहा है इस समय, आप देख सकते हैं। और मुझे अभी इस समय स्टार्टिंग में जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया था, तो हल्का सा मुझे लैग महसूस हुआ था, पर इस समय मेरे को बिल्कुल ही लैग महसूस नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस मोबाइल में पबजी भी मैं इस तरह से खेल सकता हूँ। तो पहला शिकार मिल गया मुझे, तो अब कर देते हैं इसका काम। तो ये पहला किल मैंने ले लिया है इजीली। दूसरा बंदा भी दिख गया है, इसको भी कर देते हैं। इसमें जो जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, जबकि मैं अपने फ़ोन या आईपैड पे खेलता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह, मतलब कैमरा जो का है काफ़ी कवर हो जाता है, पर इसमें थोड़ा सा कम मुझे दिख पा रहा है। तो एनिमी देखने में भी इस समय मुझे बिल्कुल नहीं दिख पाया कि बंदा कहाँ पर है। और अब थोड़ा सा मेरे को थोड़ा जोर आँखों पे वो करने पर गोली के साउंड पे पता चला है कि बंदा वहाँ पर है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप, बड़े बिल्कुल ही स्मूथ परफॉर्म कर रहा है, और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन इसकी छोटी है, तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे मैंने खेला है, तो थोड़ा सा मुझे हल्के से चैलेंज आ रहे हैं इसको खेलने में। और फोर फिंगर से मैं अपने मोबाइल और बाकी टैबलेट में खेल पाता था, तो वो नहीं खेल पा रहा हूँ मैं। एक बार गाड़ी चला के भी देख लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा गाड़ी चलाने का।
कोई बंदा है। तो यहाँ पर कोई गोलियाँ चला रहे हैं, तो वो देखते हैं कौन है। यहाँ बंदा दिख नहीं पा रहा कहाँ पर है। गोली लगी भाई, देखें कहाँ है मतलब वो सामने से। तो आप जैसे कि देखा आपने, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे आईफोन 6s में पबजी के साथ। तो आशा करता हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियोस लेके मैं दोबारा अपने चैनल पे लौटूंगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। बाय।